नमस्कार मित्र, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। एक पंक्ति पेश करते हैं आपके लिए। धूम्रपान कैंसर जैसी बीमारियों का जन्मदाता है, फिर इंसान इसे इतने चाव से क्यों अपनाता है? जो भी इंसान इन बीमारियों की चपेट में आता है, वह पूरा जीवन बड़ा ही पछताता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पान मसाले, गुटखा, सिगरेट से होने वाली बीमारियों के बारे में। ये हमारे शरीर के किस तरह से प्रभावित करते हैं तथा इनमें कौन कौन से रसायन मिलाए जाते हैं, तो चलिए बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के समय में तंबाकू, सिगरेट, पान मसाले की एक से बढ़कर एक कंपनियां बाजार में आ रही हैं। इन कंपनियों का मकसद एक ही होता है, अधिक से अधिक लोगों को नशे का लत लगाना और उनसे पैसे लूटना। लेकिन आप जब भी किसी तंबाकू, सिगरेट के रंग बिरंगी पैकेट को खोलकर अपने मुंह में डालते हैं, तो क्या आप इस बात का ध्यान रखते हैं? तंबाकू और पान मसाले में उपलब्ध कई किस्म के रसायन हमारे डीएनए को भी प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इन पान मसालों से शरीर का कौन कौन से अंग प्रभावित होता है, जैसे फेफड़े, कंठ की नली, मूत्राशय, हृदय, पुरुषों में नपुंसकता, महिलाओं में प्रजनन क्षमता की कमी। इसके साथ ही अन्य प्रकार की समस्याएं होती हैं। क्या आपको पता है, आप जब भी पान मसाला या तंबाकू का सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर को एक विशेष रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे सांस में बदबू आना, मुंह और आंख के पास झुर्रियां पड़ जाना, चेहरे का रंग बदलना, मसूड़ों को क्षतिग्रस्त हो जाना, दांत काले पड़ना। इसके साथ ही दांत टूटने की भी संभावना अधिक बढ़ जाती है। मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद भी पान बहार, रजनीगंधा, शिखर, कमला पसंद, तिरंगा, बाबा 120, बीमल, ब्रदर ब्रांड जैसे पान मसाला अभी भी पूरी तरह से प्लास्टिक के पन्नी में पैक किए जा रहे हैं। भारतीय स्वैच्छिक संगठन के द्वारा भारत के 8 राज्य असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और तमिलनाडु में एक सर्वे किया गया और इससे पता चला कि सबसे अधिक तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट का सेवन इन्हीं 8 राज्यों में किया जाता है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था CTRI के रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में हर साल 10 लाख लोगों की मौत तंबाकू सेवन करने से होता है। CTRI की रिपोर्ट माने तो इन पान मसालों में निम्न प्रकार के खतरनाक तत्व पाए जाते हैं, जैसे निकोटीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे जानलेवा तत्व पाए जाते हैं। अब सवाल यह है कि तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट में इतने खतरनाक तत्व पाए जाने के बावजूद भी सरकार इसे बेचने की अनुमति क्यों देती है? क्या आपके अनुसार जिस तरह से भारत में हीरोइन, चरस, अफीम जैसे जानलेवा पदार्थ पूरी तरह से बैन है, उसी प्रकार से गुटखा, तंबाकू, सिगरेट को भारत में पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। और इस प्रकार के बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।